करनाल के घरोंडा टोल प्लाजा पर चल रहे किसान आंदोलन में आज संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता गुरनाम सिंह पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने किसानों की एक मीटिंग ली और किसान आंदोलन को तेज करने की जानकारी दी। इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू हुए। गुरनाम सिंह ने कहा कि आगामी 14 फरवरी को करनाल के इंद्री में विशाल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, उसी की तैयारियों के लिए आज वह यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता पहुंचेंगे और किसानों की केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में 4 घंटे रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए गुरनाम सिंह ने बताया कि देश का राजा ही अगर जनता को गुमराह करने लग जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को कहते हैं कि वह एक फोन कॉल की दूरी पर है, परंतु फोन नंबर उन्होंने आज तक भी किसानों को नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अब किसानों के हितों तक ही सीमित नहीं है, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई हो गई है, क्योंकि देश का राजा नरेंद्र मोदी चंद पूंजीपतियों के हाथों में देश की सारी संपत्ति सौंपना चाहता है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आगामी 14 तारीख को इंद्री में होने वाली महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर किसान अपना विरोध 3 कृषि काले कानूनों के विरोध में दिखाएंगे तो केंद्र सरकार पर दबाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश भर में महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है जहां पर उनको जन समर्थन मिल रहा है। टोल प्लाजा पर पहुंचने पर गुरनाम सिंह का किसानों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। महापंचायत है इंद्री, देखिए इंद्री में महापंचायत रखी है संयुक्त किसान मोर्चा की रखी है, और उसमें जो है अभी यहाँ पे मीटिंग थी और उसकी पूरी हम तैयारी कर रहे हैं और पूरा अच्छा वहाँ पे भीड़ होगी और संयुक्त किसान मोर्चे के मुख्य लीडर यहाँ पे पहुँचेंगे। उन सब अखबारों की बात करें तो बिल्कुल भी प्रधानमंत्री सदन में भी खड़े होकर सिर्फ चर्चा की बात तो कर रहे हैं लेकिन मंशा नहीं लगती कृषि कानून वापस लेने की, तो कितना इंतजार रहेगा सरकार बदलने तक? देखिए वो काले मन से बात करते हैं और हर बार फ्रेम करते हैं, और दुख इस बात का है कि परमात्मा के बाद राजा जनता का रखवाड़ा होता है, और अगर राजा ही गुमराह करना शुरू कर दे, एक कॉल की दूरी है बस, अगर राजा ही गुमराह करना शुरू कर दे तो फिर जनता किसके हवाले होगी, फिर तो परमात्मा ही रखा है इसका। उसके बाद तो मंशा नहीं लग रही है 3 कृषि कानून को वापस लेने की, तो आगे जो आंदोलन की रणनीति चेंज करेंगे? वास्तविकता ये है कि ये लोकतंत्र नहीं रहा। लोकतंत्र तो होता है लोगों का राज, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। वास्तविकता ये है कि ये पूंजीपतियों का राज हो गया है और पूंजीपतियों के एजेंट गद्दी पे बैठे हैं, या तो पूंजीपति खुद बैठे हैं या उनके एजेंट गद्दी पे बैठे हैं, और जब पूंजीपति या उनके एजेंट गद्दी पे बैठे हैं तो फिर जनता के पक्ष के फैसले नहीं होंगे। बड़ा गंभीर मैटर है देश के लिए, ये देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। सवाल 3 काले कानूनों का नहीं है, वहाँ तक बात सीमित नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश में पूरे देश की जो संपत्ति है वो चंद लोगों के पास इकट्ठी हो गई है, पूरे देश की माया चंद लोगों के पास इकट्ठी हो गई है और पूरा देश कंगाल हो गया है। अब वो जो लोगों की कंगाली है, ना उनके पास इलाज कराने का पैसा है, ना उनके पास पढ़ाने का पैसा, ना उनके पास खाने का पैसा है, ये एक बड़ा गंभीर मैटर है। देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है ये, और इसमें ये सबकी है, अकेले किसान की नहीं है। इसमें तो देश के हर नागरिक को इसमें जुड़ जाना चाहिए। ये तो एंटी प्रकृति का है। पूरे देश का भोजन अगर चंद लोगों के गोदामों में चला जाएगा, सारे देश को भूखा मार दे चाहे वो। संसद को घेरने का जो कार्यक्रम था क्या उसे अभी स्थगित कर दिया गया? देखिए वो स्थगित कर दिया था, थोड़ा उस वक्त आपको पता है थोड़ा सा माहौल बदल गया था, स्थगित कर दिया था। अब दोबारा से हो सकता है। 14 तारीख की महापंचायत के लिए अपील करेंगे कि सभी भाई वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और एक संख्या दिखानी, एक वो भी एक बात होती है कि हम संख्या कितनी इकट्ठी कर सकते हैं, कितना लोगों में उत्साह है, और लोगों को समझाना, लोगों को जागरूक करेंगे उसमें। 18 फरवरी को भी आपने कहा कि रेल रोकने का कार्यक्रम जी, 18 तारीख को 2 घंटे के लिए रेल रोकने का प्रोग्राम, जो महापंचायत 4 घंटे देखिए अच्छे लोग होंगे, हर जगह भीड़ अच्छी हो रही है, काफी संख्या में लोग। थैंक यू, हजारों में हो गई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.